जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुनीता जी के किचन में। तो आज हमारे किचन में लौकी का रायता बनने वाला है, जो कि बहुत ही इजी और घर में रखी चीज़ों से हम बनाने वाले हैं। जिन लोगों को लौकी नहीं पसंद है, आप उन्हें एक बार इस तरीके से लौकी का रायता बना के देखिए, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक आधी लौकी ले ली है, जिन्हें हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। लौकी का रायता बनाने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करके देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप देख सकते हैं हमने लौकी को बहुत अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। इसके बाद हम इसे पानी में डालकर 2 से 3 मिनट गैस पर अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पर हमने लौकी को उबालने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है। तब तक हम दूसरे साइड जीरे को गैस पे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमारा जीरा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसे खलबट्टे में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। तब तक साइड में हमने जो लौकी उबलने के लिए रखी थी वो भी अच्छे से उबल रही है, तब तक हम जीरे को अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पर हम बहुत अच्छे से भुने हुए जीरे को खलबट्टे में डालकर अच्छे से कूट लेंगे। यहाँ पर हमारा भुना हुआ जीरा अच्छे से कूट चुका है। और यहाँ हमारी लौकी भी अच्छे से उबल चुकी है, अब इसे हम एक अलग बर्तन में निकालकर अच्छे से छान लेंगे। अब हम इसे रेस्ट पे 10 से 15 मिनट रख देंगे, जब तक ये ठंडा ना हो जाए। यहाँ पर हमारी कद्दूकस हुई लौकी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, अब हम इसका जो एक्सेस पानी है उसे भी अच्छे से निचोड़ देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच हींग डाल देंगे और यहाँ हम 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे इसमें। इसके बाद हम यहाँ पर हरी मिर्च को भी कट कर लेंगे। आप जितना तीखा खाते हो आप उस अकॉर्डिंग मिर्ची को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम गार्निशिंग के लिए धनिया को भी अच्छे से कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने सब चीज़ों को अच्छे से कट कर लिया है, अब हम इसे रायते में डालेंगे। यहाँ हमने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है, इसके बाद हम इसमें हरा धनिया भी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट डाल देंगे। यहाँ पर हमने जो भुना हुआ जीरा था हम वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 1 छोटी चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से आपस में मिला लेंगे।
बस अब हम लौकी को सब मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे। हमने दही को पहले फेंट लिया था, इसे अब हम अच्छे से मिलाएंगे। तो बहुत ही कम टाइम में हमारा ये रायता बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप इसमें और कुछ मसाला डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप ऐसे खाइएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बस हम इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे। तो बस कुछ ही देर में हमारे ये लौकी का रायता बनकर रेडी हो गया। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में, ताकि हम ऐसी कुछ नई नई रेसिपी आपके लिए लाते रहें। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। जय श्री श्याम, राधे राधे।